Hey everyone, welcome to Biology 80s. Neat Biology Desi Short Trick Series के अंदर आज मैं आप सभी को लर्न करवाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसी के साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जिससे पहले हम ट्रिक पर जाएं, थोड़ा बहुत समझा भी देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है? अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहती है कि इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स। ये जो चेन है ना बेटा, ये प्रोटीन्स की चेन बनी हुई है। ये जो कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ये एक्चुअल में किस चीज के कॉम्प्लेक्स हैं? प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इट इज अ चेन ऑफ प्रोटीन्स जहां पर प्रोटीन डोनर प्रोटीन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन डोनर प्रोटीन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है और फाइनली दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इट इज अ चेन या फिर इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फिर आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका एंड रिजल्ट है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आई होप आप इस ट्रिक वीडियो को तभी पढ़ रहे हैं, तभी सुन रहे हैं जब आपने एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंसेप्ट समझ लिया है। नहीं समझा है तो मैं आपको यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि शुद्ध हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं जिसके जरिए आपका एटीपी फॉर्म हो सके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड रिजल्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? आपका एटीपी बनता है। और ये एटीपी किस तरीके से बनता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हाइड्रोजन जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी स्टिमुलेट करती है एटीपी फॉर्मेशन को। तो डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रोटीन ग्रेडियंट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फाइनली लीडिंग टू एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो बेटा, क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने आप सभी को क्रेब्स साइकिल के शॉर्ट ट्रिक याद करवाई थी कि क्रेब्स साइकिल में कौन सा कंपाउंड पहले आता है, कहां से क्या ट्रांसफर होता है, वो मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक की जितनी भी अभी तक की वीडियोस है उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था कि NADH और FADH2 की फॉर्मेशन होती है। बेटा अभी NADH और FADH2 का फायदा उठाया जाता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि जो ये NADH और FADH2 हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को दे देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स एक से लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स पर फिर तीसरे कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराते रहते हैं। इन शॉर्ट NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में और लास्ट में एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करवाने वाली हूँ। मैंने क्या कहा? NADH और FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल से रिलीज हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स ले लेते हैं। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में ताकि फाइनली हमारा एटीपी बन सके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेटा चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4। ये चार कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं आपकी मिलके ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स 5 को भी इंक्लूड करें तो ये मिलकर बनाता है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर देयर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, तो देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब कॉम्प्लेक्स के नाम हम कैसे लर्न करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। पहले आप सबसे पहले रोमन नंबर में सीक्वेंस में लिख दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ट्रिक कहती है ना दीदी शक्की दीदी साइटो साइटो एटीपी, ना दीदी शक की दीदी, एक दीदी है शक करती है बड़ा,
तो साइड हो बोल रहे हैं हम उसको। याद रखना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, एटीपी है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आखिर का कॉम्प्लेक्स होगा वो एटीपी सिंथेसाइज करेगा, तो वो एटीपी से ही शुरू होगा, एटीपी वर्ड से ही शुरू होगा, ठीक है। तो हमारी ट्रिक कह रही है ना दीदी सक्की दीदी साइटो साइटो एटीपी, ये आपकी ट्रिक है। ना से एनएडीएच, दीदी से डिहाइड्रोजनेस, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस, सक्की से सक्सिनेट, दीदी से डिहाइड्रोजनेस, साइटो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और एटीपी लास्ट में एटीपी सिंथेसाइज होता है, तो आपका एंजाइम का नाम हो जाएगा एटीपी सिंथेस। क्या हुई ट्रिक, ना दीदी सक्की दीदी साइटो साइटो एटीपी। अब हम याद करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, जो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, हमने क्या बोला है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो जो ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसकी ट्रिक क्या कहती है। देखो सबसे पहले आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपकी ये प्रोसेस कहां पर होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, वो कहां पर होती है, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। यहां पर बाहर आ गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच का स्पेस है, मैं बीच का स्पेस ड्रॉ कर देती हूं, जो ये बीच का स्पेस है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है जी, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये है आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अंदर होगी आपका मैट्रिक्स जहां क्रैब्स साइकिल हो रही है, और ये है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चल रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रही है बेटा, यहां पर चल रही है। ये आपके कॉम्प्लेक्सेस के नाम है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिए हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हम याद करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में आएगा आपका यूबिक्विनोन, जिसे यूक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 और 2 के बीच में लिख देंगे यूबिक्विनोन, और 3 और 4 के बीच में लिख देंगे साइटोक्रोम सी, बस ये चीज याद रख देना। जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, तो 5 को अभी हम एकदम साइड में रखेंगे, 5 को मैंने इसलिए किनारे रखा हुआ है। 1 और 2 के बीच में सबसे पहली ट्रिक कहती है लिख दो यूक्यू, यूबिक्विनोन, और आपका 3 और 4 के बीच में आ गया साइटोक्रोम सी। अब नाम कैसे याद करना है कॉम्प्लेक्सेस का, देखो नाम कहता है कि फमन, जैसे किसी लड़के का नाम अमन होता है वैसे यहां पर लड़के का नाम है फमन, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फमन फंस गया FeS यानी कि आयरन सल्फाइड, फमन फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, फमन किसके साथ फंसा, यूबिक्विनोन के साथ, फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, फमन एक लड़का फंस गया किसके साथ, यूबिक्विनोन के साथ। ध्यान रखिएगा जब आप प्रोटीन्स के नाम लिख रहे हैं सबसे पहली चीज 1 और 2 के बीच में यूबिक्विनोन डाल दीजिएगा और 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम सी लिख दीजिएगा। अब ट्रिक कहती है फमन फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहां से, जब NADH आपका NAD में कन्वर्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन गया वो सबसे पहले फमन के पास जाता है, FMN के पास जाता है, वहां से FeS के पास जाता है, फिर यूबिक्विनोन के पास जाता है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FADH2 कन्वर्ट हो जाता है FAD में, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले जाता है FeS पे, FeS से यूबिक्विनोन पे जाता है। याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3, 1 से 2 में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, 1 से डायरेक्ट 3 में जाता है और 2 से भी 3 में जाता है, ठीक है। तो फमन फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, FMN ने FeS को इलेक्ट्रॉन दिया, FeS ने यूबिक्विनोन को दिया। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस कहता है फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, कॉम्प्लेक्स 2 के मॉलिक्यूल फंस गया FeS यूबिक्विनोन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन कहां गया, फमन से फंस गया पे, फंस गया से यूबिक्विनोन पे। कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन कहां गया, फंस गया से यूबिक्विनोन पे, इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कहते हैं बी फंस गया C1 के साथ, साइटोक्रोम बी फंस गया साइटोक्रोम सी के साथ, बी फंस गया C1 के साथ, बी फंस गया C1 के साथ।
साइटोक्रोम बी FES साइटोक्रोम C1। तो आपका इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर होता है पहले साइटोक्रोम बी में, फिर FES में, फिर साइटोक्रोम C1 में, और फिर उसके बाद साइटोक्रोम सी, ये वाला जो मॉलिक्यूल है कैरियर मॉलिक्यूल, इसके पास चल गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? AA3, यानी कि साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 पे ऐसे गए और फिर ये नीचे आ गए, O2 ने लिए और H2O बना दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को एक बार ढंग से समझ लीजिएगा, ये सिर्फ ट्रिक वीडियो है। हालांकि मैंने ट्रिक के साथ साथ आपको समरी भी प्रोवाइड करा दी है कि इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, क्रेब्स साइकिल से जो NADH2 रिलीज हुआ था और जो FADH2 रिलीज हुआ था, हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स यूज करे ताकि हम ATP जनरेट कर सके। तो हमारी ट्रिक कहती है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को याद करने की, कि फमन फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, बी फंस गया C1 के साथ, बी C1 के साथ फंसा, फिर इसने साइटोक्रोम सी को प्रोवाइड कराए इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ट्रिक कहती है, लास्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के नाम है साइटोक्रोम AA3। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स 1, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन है? FMN, FES, फमन फंस गया किसके साथ? यूबिक्विनोन के साथ, जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। फंस गया यूबिक्विनोन के साथ, इसका प्रोटीन मॉलिक्यूल FES आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या कहता है? बी फंस गया C1 के साथ, साइटोक्रोम बी फंस गया साइटोक्रोम C1 के साथ। साइटोक्रोम क्यों याद किया? यहाँ पर याद है ना, इसका नाम ही साइटोक्रोम है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है हमने याद कर लिया कि ये साइटोक्रोम से शुरू हो रहे हैं। साइटोक्रोम बी फंस गया साइटोक्रोम C1 के साथ। कॉम्प्लेक्स 4 में A3 साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 में जाता है और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बस ये है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस के नाम और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और लास्ट का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 अभी हमने क्या बोला, इसका नाम होता है ATP सिंथेस, जिसे कि हम F1-F0 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? F1-F0 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेस एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस तो यही है आपकी ट्रिक टू लर्न द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलोंग विद द वेरियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप आप लोगों को ढंग से समझ आया होगा। आपकी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं अन अकेडमी पर इस महीने फ्री क्विजेस कंडक्ट करवा रही हूँ। आज 5 मई को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की फ्री क्विज होने वाली है, जहां पर मैं आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, विद एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज उस क्विज को आप ज्वाइन करो, एकदम फ्री है। एनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगली क्विज 6 मई को होने वाली है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक वीडियो आपको इजी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।